हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आईसीटी के ऊपर। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉप 5 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको बिल्कुल भी इन क्वेश्चंस में डाउट नहीं रहेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब पूछे गए हैं काफी बार एग्जामिनेशन में। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, दैट मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट कोर्स यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आ रहा है। छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट विल बी कमेंसिंग फ्रॉम 12th मई 2021। तो जैसे कि आपको पता है, पेंडेमिक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम भी पोस्टपोन हो चुका है। तो ये बिल्कुल आपके आपको कंटिन्यू रखने के लिए, पढ़ाई में आपको कंटिन्यू रखने के लिए कोर्स लाया गया है, ताकि आप कंप्लीटली जो है फिर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पढ़ सकें। तो अकेडमी प्लस में आना चाहते हैं तो ये कुछ बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं डेफिनेटली। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन में, पेपर वन भी पढ़ सकते हैं, पेपर टू भी, और फॉलो कर सकते हैं अकेडमी पर। यहाँ पर फ्री क्लासेस बहुत हो रही हैं, तो फ्री क्लासेस का टाइम रहता है आपका 9:30 AM डेली फिलहाल। और कल हम करने वाले हैं PYQs पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल आपको लिंक मिल जाएगा प्रोफाइल का। तो अकेडमी प्लस के साथ साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर है, बिल्कुल आप अवेल कर सकते हैं। प्लस के साथ साथ आपको आइकॉनिक में इसलिए यहाँ पर फायदा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको और भी मिल रही है, इंक्लूडिंग पर्सनल कोच एंड मैनी मोर। सो ये कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान है। बेगी 10 यूज करेंगे यहाँ पर, आपको कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको इस कोड से 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल कोई सा भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, प्लस और आइकॉनिक। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है कि जो यूनिट्स है यहाँ पर स्टोरेज की, खैर आईसीटी के आज क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो स्टोरेज की यूनिट्स हैं इनको आपने करेक्ट ऑर्डर में यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली अरेंज करना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट से चलना है आपने और बिल्कुल लार्जेस्ट यूनिट तक पहुंचना है। तो आप बिल्कुल टाइम ले सकते हैं एंड उसके बाद आप सही से आंसर कर सकते हैं। तो किलोबाइट, बाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, बिट, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो वीडियो पॉज कर सकते हैं गाइज आप, और मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या है देखो गाइज, इसमें सबसे पहले तो आपका देखो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये स्टोरेज का जो यूनिट्स होती है ना आपके, इनकी जो कैपेसिटी होती है उसी हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बिट सबसे छोटी होती है, तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ इन्होंने कहा है। तो सबसे पहले बिट आएगा, फिर आपका आएगा बाइट, उसके बाद आएगा आपका किलोबाइट, उसके बाद मेगाबाइट आएगा, उसके बाद आपका क्या है गीगाबाइट आएगा, फिर टेराबाइट आपका यहाँ पर आएगा, यानी कि FBACDE। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करवाने का मतलब यही है कि भाई इस तरह से आपने स्टोरेज यूनिट्स जो भी हैं इनको प्रिपेयर करके रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है, यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये जो ईमेल एड्रेसेस यहाँ पर होते हैं कि किस तरीके से कौन सा एड्रेस क्या करता है, जैसे आपका 2 है, CC है, BCC यहाँ पर है, तो इनको जरा देखने की कोशिश करो और वीडियो पॉज कर लो अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ईमेल फील्ड्स यहाँ पर दी गई, अगर आप ईमेल यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये चीज पता होगी कि सबसे पहले 2 होता है, यानी कि किसको आप ये मेल भेज रहे हैं, उसके बाद CC होता है, दैट इज योर कार्बन कॉपी। क्या होता है? कार्बन कॉपी, यानी कि सेम जो आप मैसेज भेज रहे हैं वो किसको भेज रहे हैं, ये पर्टिकुलर यहाँ पर जो भी ईमेल एड्रेसेस है, राजन रवि। तो BCC एक और चीज यहाँ पर आती है जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या कहते हैं? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका मतलब क्या होता है? होता है CC की तरह ही है, यानी कि जो आप यहाँ पर राम को भेज रहे हैं वो राज को भी जाएगी मेल, रवि को भी जाएगी, स्वामी को भी जाएगी, रामा को भी जाएगी। लेकिन यहाँ पर मेन चीज ये है कि कौन किसको यहाँ पर देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 है, अब जो CC में यहाँ पर एड्रेसेस हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ राम को यहाँ पर भेजा गया है जो भी मेल है, लेकिन वो CC वाले यहाँ पर BCC में जो एड्रेसेस है उनको नहीं देख सकते। कहने का मतलब है जो BCC में यहाँ पर एड्रेसेस होते हैं आप नहीं बताना चाहते हैं औरों को कि भी इनको भी ये मेल यहाँ पर दी गई है, तो लेकिन BCC वाले यहाँ पर एड्रेस देख सकते हैं, जो BCC वाले होते हैं वो किस किस का एड्रेस देख सकते हैं, 2 का भी और CC का भी, इन दोनों में जो एड्रेसेस होंगे ये देख सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं देख सकते हैं कि BCC में कौन कौन से ईमेल एड्रेसेस यहाँ पर हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जो स्वामी है वो बेसिकली जब वो मैसेज को रिसीव करेगा तो कौन से एड्रेसेस यहाँ पर स्वामी देख पाएगा। तो स्वामी है आपका BCC में, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ,
तो स्वामी कहाँ है आपका? बीसीसी में। तो यहाँ पर स्वामी बीसीसी में, तो मतलब या टू का भी देख पाएगा, सीसी का भी देख पाएगा, तो राम राज एंड रवि तीनों को देख पाएगा ये। तो राम राज एंड रवि, राम राज एंड रवि, सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सीसी बीसीसी क्या होता है, बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं समझ आएगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म आईसीटी आर या इज ट्रू। आईसीटी के बारे में कौन सी चीज यहां पर सही है ये आपने बताना है। तो पी स्टेटमेंट कह रही है कि भी आईसीटी क्या है, एक्रोनम है आपका, जो स्टैंड करता है इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी। और क्यू कह रहा है कि कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका बेसिकली आईसीटी में जैसे आती है आपकी, जैसे मर्जिंग ऑफ ऑडियो विजुअल टेलीफोन कंप्यूटर नेटवर्क्स थ्रू ए कॉमन केबलिंग सिस्टम, तो वो आता है आपका कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज में। तो आपने बताना है जी क्या है राइट आंसर। देखो भाई ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर सही है, सॉरी हाँ मतलब जो क्यू है यहाँ पर बिल्कुल सही है। कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज में बेसिकली वो बेसिकली चीजें आती हैं जिसमें आपके मर्ज होते हैं ऑडियो विजुअल टेलीफोन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो एक कॉमन केबलिंग सिस्टम से यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। ये आपका आईसीटी का बेसिकली एग्जांपल यहाँ पर है कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज का। लेकिन ऑप्शन नंबर पी कह रहा है कि भाई आईसीटी क्या है, ये स्टैंड करता है आपकी इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी, जो कि गलत है। दिस इज योर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये सिंपल से यहाँ पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। देखो पी और क्यू, पी क्यू आर तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई है। पी कह रहा है कि जो रोम होती है वो वोलेटाइल होती है। क्यू कह रहा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम होता है वो वोलेटाइल होती है। आर कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है वो वोलेटाइल होती है। तो आपने बताना है कौन सी चीज सही है। तो ट्रू पूछा है आपसे, टेक योर टाइम और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए हैं। तो क्यू ओनली विल बी द ट्रू स्टेटमेंट। तो क्यू कह रहा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी वो वोलेटाइल होती है, बिल्कुल सही है। वोलेटाइल का मतलब होता है टेम्पररी, यहाँ पर मेमोरी होती है जो कि थोड़े टाइम के लिए रहती है, लेकिन रोम आपकी परमानेंट है, नॉन वोलेटाइल है। सेकेंडरी मेमोरी भी आपकी नॉन वोलेटाइल यहाँ पर होगी क्योंकि ये खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपकी जब तक यहाँ पर डिवाइस में है तब तक रहती है। तो ऑप्शन नंबर क्यू विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस। डोमेन नेम समझते हैं आप, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ये डोमेन नेम सिस्टम जो होता है बेसिकली ये किसी भी वेबसाइट को यहाँ पर दिया जाता है डोमेन, जिससे हमें पता चलता है कि वेबसाइट पर्टिकुलर किस एरिया के लिए यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें से बताना है प्रॉफिट बिजनेसेस के लिए कौन सा डोमेन नेम यूज करते हैं, .com, .org, .net या फिर .edu, .edu। तो राइट आंसर क्या है, .com। तो .com जो वेबसाइट्स होती हैं दे आर बेसिकली योर प्रॉफिट बिजनेसेस, एंड प्रॉफिट बिजनेस की ही वेबसाइट्स बेसिकली रहती हैं। बाकी जैसे ORG है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं, .com कमर्शियल हो गया। EDU आपका एजुकेशनल साइट्स होती हैं, NET आपका नेटवर्क वेबसाइट्स यहाँ पर रहती हैं। जैसे आपका, अच्छा आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, व्हाट इज MIL, .MIL, ये जो डोमेन नेम है किस पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए होता है, किस तरह की वेबसाइट के लिए होता है, ये आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट करिएगा, ठीक है, तो देखते हैं कितनों को पता है। सो गाइज 5 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और बाकी फिर से बता देता हूँ आपको कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा पेपर 2 है और अनअकैडमी प्लस पर बिल्कुल शुरू होने वाला है कंप्लीट कोर्स। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 4 PM विल बी द टाइम एंड 12 मई से शुरू हो रहा है। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। सो फॉलो कर लेना अनअकैडमी पर, कल सुबह फ्री क्लास होने वाली है एक 9:30 AM, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो प्लस के साथ साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी गाइज यहाँ पर है, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दीज आर सम प्लान्स एंड कोड यूज करेंगे अगर BEGI10 यहाँ पर, तो 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय, टेक केयर।